जब तक नहीं हेमंत सोरेन जेल से रिहा होते हैं तब तक हम जूता चप्पल का व्यवहार नहीं करेंगे। हमने निर्णय लिया, संकल्प लिया कि जब तक नहीं जेल से छूटते हैं हम जूता चप्पल का व्यवहार नहीं करेंगे। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष सरेकला खरसवां के होने के नाते क्षेत्र में जाना पड़ता है। और रही सवाल जो आज खाली पांव जो जनसेवा का जो कार्यक्रम चल रहा है, न्याय मार्च गांव-गांव में हो रहा है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस झारखंड की माटी में उतनी शक्ति है कि हम लोग खाली पांव में भी बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हम लोग कभी भी सफ़र कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं का आक्रोश अपने अपने तरीके से व्यक्त हो रहा है। कोई दुखी हैं, कोई भूख में हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ सरायकेला जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो हैं और इनका हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद का विरोध का जो तरीका है या हेमंत सोरेन के साथ समर्थन का जो तरीका है वो अपने में अजूबा है। इन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे तब तक वो चप्पल नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, तब खाली पैर रहेंगे। और एक प्रण है इनका अपना। हम लोग समझते हैं कि आखिर ठंड का मौसम है, इतना जर्नी करना है, जिला अध्यक्ष हैं, ये कैसे संभव हो सकता है और आखिर क्यों इस तरीके का प्रण लेना? दादा जोहार। जोहार। अच्छा, हेमंत सोरेन जेल गए हैं और आपका एक वीडियो हम लोगों ने देखा, आपने प्रण लिया कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, जूता नहीं पहनेंगे जब तक वो जेल से नहीं आएंगे, क्यों आखिर? ये माननीय हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद हमको भावनात्मक एक सोच आया कि हम उनके प्रति क्या करें कि उनको जब कोई भी व्यक्ति जेल जाता है तो आदमी को एहसास होता है कि जेल कष्टदायक है। तो हम सोचे उनके ये में तो समर्थन में भावनात्मक जुड़ाव हुआ और हमने निर्णय लिया, संकल्प लिया कि जब तक नहीं जेल से छूटते हैं हम जूता चप्पल का व्यवहार नहीं करेंगे। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष सरेकला खरसवां के होने के नाते क्षेत्र में जाना पड़ता है। और रही सवाल जो आज खाली पांव जो जनसेवा का जो कार्यक्रम चल रहा है, न्याय मार्च गांव-गांव में हो रहा है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस झारखंड की माटी में उतनी शक्ति है कि हम लोग खाली पांव में भी बरसात हो, धूप हो, जाड़ा हो, हम लोग कभी भी सफ़र कर सकते हैं। क्यों आपने मतलब कब तक चलेगा हेमंत सोरेन? अगर लंबा रहें, दो साल रहें, तीन साल रहें, तब तक आप ऐसे ही रहें? जितने भी दिन रहेंगे हम इसी तरह का रहेंगे। मौसम कैसा भी हो और मौसम से हमको नहीं लगता है कि झारखंडियों को मौसम का उतना प्रभाव पड़ता है कि जाड़ा में हम लोग खेती बाड़ी करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग खेत खलिहान में काम करने वाले व्यक्ति हैं और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। उसी के एवज में हम लोग आपको बता देना चाहेंगे कि हम जब तक नहीं हेमंत सोरेन जेल से रिहा होते हैं तब तक हम जूता चप्पल का व्यवहार नहीं करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि ईडी जो कर रही है वो साजिशन है, ईडी के पास सबूत नहीं है, ये क्या आरोप लगाते हैं आप? केंद्र सरकार का जितने भी एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करते हुए ईडी को एक माध्यम बना के इस राज को जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन ने राज को संचालित करने का काम कर रहे थे, राज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं को ले जाकर लाभान्वित कर रहे थे, उसको देखकर केंद्र सरकार, भाजपा
के लोग ये हुए, बौखलाहट हुए और उसी का परिणाम हुआ कि आज हमारे बीच हमारे पार्टी के युवा नेता नहीं हैं, वो आज जेल के सलाखों में हैं। निर्दोष उनके ऊपर अनाप शनाप का ब्लेम लगाकर जेल यात्रा कराया गया है। आपके क्षेत्र में इच्छागढ़ विधानसभा पड़ता है, वहाँ से पूर्व आए थे मलखान सिंह, वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, इससे क्या असर पड़ेगा आपके इलाके में जेएमएम को लेकर, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं इसके। झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी भी तरह का डर नहीं है, चाहे कोई भी ज्वाइन करे, आना जाना तो लगा रहेगा। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एक इस धरती माटी की पार्टी है और ग्रास रूट से जो हम लोगों के कार्यकर्ता हैं वो आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।